गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने कमेंट किया था और बहुत सारा उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि उनका जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कि उन्होंने उन्होंने किया तो था, रजिस्ट्रेशन किया था, बट उसके बाद से जब आया ये मेल कि आपका जो प्रोसेस वो इनकम्प्लीट, उसे फॉर्म को कम्प्लीट कीजिए, तो उसके बाद वो जब लॉगिन कर रहे थे तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर रही हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी दोगे तो उस ईमेल आईडी पे ही एक लिंक जाएगा। तो पहले हम उसको लॉगिन कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो भी फॉरगेट, अगर आप भूल चुके हो पासवर्ड तो डोंट वेरी, आप फॉरगेट कर लो और उसके बाद से उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा कि लॉ इस पर सेपरेट वीडियो बना देती हूँ कि अगर किसी और की ये प्रॉब्लम हो रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा ये जो जीमेल है ये खुल रहा है अभी। इसके बाद से दिखाएंगे आपको कि एक मेल आपके पास आएगा जो कि सुपर सेट की तरफ से होगा। उस सुपर सेट के मेल में ही आपको लिंक होगा। तो देखिए, आपका पहले सबसे ऊपर ही दिखा रहा है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेल खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है रीसेट पासवर्ड, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप न्यू पासवर्ड देना चाहते हो उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करोगे और उसी को नीचे में रीटाइप करोगे। पासवर्ड देने का तरीका क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर आप स्मॉल लेटर यूज करोगे, उसके बाद कुछ नंबर्स यूज करोगे, कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड करना है। ये ध्यान रखना कि आपको जो पुराना वाला पासवर्ड है उसी चीज़ को दोबारा मत कर देना, उसमें थोड़ा चेंज का, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, बट जब आप डालोगे तो वो दिखाएगा कि ये पुराना वाला ही है, तो थोड़ा सा उसमें आगे चेंज कर देना तो हो जाएगा। उसके बाद से आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा रीसेट। उसके बाद से आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे इस पोर्टल पर। अब यहाँ पर जो आपने पासवर्ड चेंज किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर आप डालोगे और उसके बाद से लॉगिन करोगे, साइन इन करना, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। अब यहाँ पे आके आपको जो भी एडिट करना है, जो भी चेंजेस करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बस मुझे आपको यही चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी थी। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 8 घंटे हैं आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं रखे, कुछ ही घंटे बचे हैं, फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिए। जिन लोगों का भी फॉर्म नहीं फिल हुआ है, क्योंकि 17 तारीख को इसका है, ये कमेंट है कि उनका कल पेपर है। तो यार, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो सपोर्ट की हुई हूँ कैप जर्मनी के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों से शेयर किए, प्लस फरवरी में जो एग्जाम हुए थे उनके भी पेपर्स मैंने शेयर किए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।